माशाल्लाह आए, एक्सपीरियंस तो हुआ, मालूम नहीं था क्या है ये, क्या यहाँ आने से पहले डरले को थे कैसा ये क्या बना को ही घर को, तो आने के बाद अच्छा लगा कि अच्छा वो एक ब्रोकर को ले को हमें जब कोई रिश्ता देखते हैं सो उससे अच्छा तो यहाँ एक कैबी, ये खर्च तो नहीं है, एक बैको बच्चे की भी जिंदगी अच्छी होती है, एक मर्द बच्चे की भी जिंदगी अच्छी होती है, जिसे खुला हो को है तलाक हो को है उनकी एक सहूलत के वास्ते ये निकाल को ही, फैसिलिटी तो अच्छी लगी, खाने का भी इंतजाम कर को ही, पब्लिक भी माशाल्लाह आको ही, हमें भी एक जानकारी लिए इधर आको, हम भाई के वास्ते रिश्ता लेको आए थे, एक दो लड़कियां वालों से बात भी करे, एक्सपीरियंस हुआ हमने माशाल्लाह परवानी, हमारे मुसलमाना एक कुछ एक ऐसा इंतजाम कर रही, ऐसा एक हमारे वास्ते एक एक्सपीरियंस हो रहा है, एक हिम्मत भी मिलती है, क्या ऐसा होगा कि जिंदगी हमारी कुछ खत्म नहीं हुई, ऐसा भी लग रहा है आइंदा हमें ऐसा एक फैसला ले सकती, ऐसा हाँ मौजूद है, हर एक रकम से पढ़े लिखे भी हैं इधर, ऐसे की भी लाइफ है, अन एजुकेटेड की भी लाइफ है, इंसान के बाद हो जाती है गलती भी हो जाती है, शादी कर ले बाद नसीब की भी बात, माशाल्लाह समझ में आया, ये साल को एक बार लगता है कैंप लगा, हाँ दो तीन बार करे तो भी अच्छा, ज्यादा वेट कर ले को भी नहीं रहने का रहता ना, एक तीन महीने खत्म हो गए तो शुरू करना दूसरी लाइफ, माशाल्लाह समझ में आया आने के बाद, अच्छा भी लगा। आज दोबारा मुलाकात में आप यहाँ पर है तो कैसा लग रहा है माहौल, किस तरह का? माशाल्लाह आवाम से मेरी गुजारिश है कि ये जो निज़ाम इन लोगों ने बनाया है रूबरू मुलाकात का, ये बहुत अच्छा निज़ाम है, अगर कोई भी चीज़ करती भी की जाए तो इंशाल्लाह उसमें कामयाबी होती है। आजकल ये जितने भी बेहुदा .com वगैरह ये जो वेबसाइट्स आ गए हैं और ये एप्लीकेशंस आ गए हैं और ये जितने भी हमारे आजकल जैसे रियल एस्टेट की ऑफिस, पहले बहुत ज़्यादा ऑफिसें चलती थी, उस तरह अभी शादी की ऑफिसें बढ़ती जा रही हैं, अब लोगों को पता चल गया है कि ज़मीन के कारोबार से ज़्यादा पैसा शादी करवाने में कमीशनों में पैसा मिल रहा है। ये लोग जो काम किए हैं बहुत मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने यहाँ पे काम किया और बहुत अच्छा इन्होंने काउंटर्स बाइफरकेट किए हैं कि पढ़े लिखों को, दूसरी शादी वालों को, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हर चीज़ मतलब हर तबके वालों के लिए उन्होंने बनाया, एक गरीब से लेकर ये IAS KAS तक के ऑफिसर का यहाँ पर रिश्ता इंशाल्लाह हो सकता है, पहली शादियों के लिए, दूसरी, तीसरी, ऑल कैटेगरीज के लिए इन्होंने यहाँ पे काउंटर बनाए, बहुत अच्छा इन्होंने निज़ाम किया है। तो मेरी राय है जो भी है, इस तरह के प्रोग्राम जो है साल में एक बार नहीं, साल में चार मरतबा होना चाहिए, जहाँ मीडिएटर्स ना हो, रूबरू आपकी इंटरव्यू हो, जो भी सवालात हैं आपके रूबरू हो, ये शादी इंशाल्लाह ऐसी शादियां टिक जाएंगी, लंबी चलेगी। आप देखिए हाल ही में हर दूसरे घर में आज फुला तलाक आम होता जा रहा है, ये सिर्फ कम्युनिकेशन गैप की वजह से। तो यहाँ पर आपको जो कम्युनिकेट करवा रहे हैं, रूबरू करवा रहे हैं, इसमें आपके एक दूसरों की इंट्रोडक्शन जो है ठीक ढंग से हो जाएगी और मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको किसी टाइप की ब्रोकरेज किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वक्त की अहम जरूरत है, बहुत सारे होम के नौजवान लड़कियां बेनिकाह बैठे हैं जी, इस तरह के प्रोग्राम होंगे तो निकाह आसान होगा, ये आसान निकाह का बेहतर तरीका है, मैं तो कहता हूँ इसको ज्यादा से ज्यादा, आप मीडिया लोगों से भी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप इस चीज को आम करें, घर घर तक ये बात पहुंचे, और जिस घरों में हमारी माँ बहनें या भाई बिना शादी के बैठे हैं या तलाकशुदा है या बेवा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये निज़ाम घर तक जाता है तो उनके लिए भी एक निकाह आसान हो जाएगा। मेरा एक पैगाम मेरे कौम के तमाम माँ बहनों से ये है कि भाइयों से ये गुजारिश है कि अगर आपके पास एक अच्छी बीवी है जो आपके सारे हकूक़ पूरे कर रही है, आपकी इताअत कर रही है, आपकी खिदमत कर रही है, आपकी आपसे मोहब्बत कर रही है, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा दौलतमंद आदमी इस दुनिया में आप ही रहेंगे। इसी तरह अगर कोई बहनों से भी गुजारिश है कि आपका अगर शौहर आपकी इज्जत कर रहा है, आपके हकूक़ पूरे कर रहा है, आपसे मोहब्बत कर रहा है, तो ये आप भी उतनी ही खुशनसीब औरत रहेंगे जितना ये खुशनसीब रहेगा। तो इस शादी में जो है एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे का ख्याल रखना और एक दूसरे से मोहब्बत करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आजकल कमी होने की वजह से ये खुला और तलाक आम हो चुकी है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एक दूसरे की इज्जत किया करें, एक दूसरे के घर वालों की इज्जत किया करें, शादी जो है सिर्फ एक दूसरे का जोड़ा नहीं है, ये दो खानदानों का मिलाप होता है, दो खानदानों से मोहब्बत रखना होता है, आप दोनों की जो खानदान है वो आपसे गैर नहीं है, एक दूसरे के खानदान से भी मोहब्बत करना ये आपका फर्ज है। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इसी तरह जो है एक दूसरे की रिश्ते को निभाते हुए जाएं। मेरा नाम है मोहम्मद इफ्तिखार कलीम कादरी रजवी,
हमारे बेटे के रिश्ते की तलाश थी, फोन से मालूम हुआ आए। माशाल्लाह यहाँ का इंतज़ाम बहुत अच्छा है, बहुत कोशिश कर रही और जो है आवाम जो है थोड़ा अपने हिसाब से करना चाहती, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा एडजस्ट कर ले तो इंशाल्लाह काम बनता है, ज़िंदगी अच्छी होती। हटको हमारा छोसा चोना हमारी ख्वाहिश मुताबिक चोना वो तो ज़रा मुश्किल है, लेकिन रिश्ते हैं देख सकती, एक से दस रिश्ते देख सकती देख सकती दिखाती अच्छा है। अल्लाह ताला सब ज़िंदगी अच्छे करना बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत। और जो है इसे और बार बार भी करना पड़ता है, इसे ज़्यादा गैप नहीं देना। साल में एक बार बहुत कम हो रहा है, साल में एक बार तो बिल्कुल नहीं, महीने में एक बार करना, महीने में एक बार। दस भी रिश्ते जम गए ना उसका सिला इनको इंशाल्लाह मिल जाएगा। साल में एक बहुत कम होता है, कम से कम महीने में एक करना पड़ता है। मेरा नाम मैनुद्दीन मुर्ग है, मैं बीजापुर का रहने वाला हूँ, यहाँ बच्चे यहाँ पे रहते हैं, मैं यहाँ पे आया हूँ और तकरीबन 3 साल से यहाँ आ रहा हूँ। मैं एक बहुत अच्छी एक दीनी खिदमत है और इसकी ज़रूरत है। अब ये लोग बहुत से लोग क्या करते हैं, रिश्ता जन्माते हैं बोल के ऐसे बुलाते हैं, फिर मुफ्त बुलाते हैं, बाद में पैसे वगैरह इस्तेमाल करते हैं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये जो लोग हैं ना, खाने का इंतजाम भी है, सब कुछ है और बाकायदा अलग अलग इंतजाम किए हैं, ये खूब है। हम क्या कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि भाई ऐसे प्रोग्राम और होते रहे, हमारे ज़रूरत है हमारे इसके लिए। मेरा नाम खदीर खान है, हमारे दोस्त के भान हैं जिनका डाइवोर्स हो गया है, उनके वास्ते रिश्ते को है और उनके जो भाई जिन्होंने शादी नहीं हो गए है उनके वास्ते रिश्ते का कैंसर। कैसा लग रहा है रिश्ते का? माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई है आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आदमी खासकर हमारे कौम के वास्ते बहुत हेल्प हो रहा है, एक दूसरे के वास्ते। जिन समझो सालान सालान से रिश्ते नहीं मिल रहे, हमें यहाँ को 10 लाख में हमने 5-6 रिश्ते मतलब 2 सेलेक्ट हो गए, उसमें एक फाइनल करना। अब उसका तो मैं वो जो हमारे दोस्त को देख रहा हूँ 5-6 साल से देख लगे उन्होंने छुकरिया और इनके अम्मी के वास्ते जो देख लगे छुकरा कम से कम वो 1-7 साल से देख रहे, काम भी सेट नहीं हो रहा है। यहाँ आए सो 5 लाख में माशाल्लाह सेटिस्फाइड भी होगा, उन्होंने सेलेक्ट भी कर रहा है। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम। अब क्या है घर आंगन ब्रोकर आंग देती शादी वाले को चुपके पैसे खा ले को ठगाते रहते हैं, नई नई से फोटो निकला ले को। यह अच्छा है कि डायरेक्ट आती है, उन्होंने मिलना थी सामना सामने क्या है बात कर लेते हैं, इंशाल्लाह ओके होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह। नील सुंदर से जी, ये छोटे भाई के लिए आए थे, उनका ऐसे ही तो एक रिश्ता चाहिए था उनको, तो मिले यहाँ पर, देख के अच्छे लगे, अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स आ रहे हैं, बट हाँ देख रहे हैं अल्लाह ताला आसान करे सबको, जो भी आए उनके नेक इरादों में कामयाब करना अल्लाह ताला, बस यही। हाँ जी, तलाश पिछले साल से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, पिछले साल आए थे, मिले 1-2 प्रोफाइल, बाद में वो ठीक नहीं हुआ, बट अभी सोचा कि इस बार भी आकर के देखेंगे, इस बार के प्रोफाइल्स फ्रेश लग रहे हैं, देखेंगे इंशाल्लाह होता है।